देश के सामाजिक राजनीतिक हालात और उत्तर प्रदेश में बसपा की राजनीतिक तैयारियों पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बसपा के जाने माने नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। मौर्य जी, के न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से मैंने कहा कि देश के सामाजिक राजनीतिक हालातों पर बात करेंगे, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं केंद्र की सरकार की। बसपा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती मैं समझती हूँ इस तरीके से है कि लोकसभा में एक भी नुमाइंदा बसपा का नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में केंद्र में या पूरे देश में आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? ये सही है कि लोकसभा में हमारी एक भी सीट नहीं है, इसके बावजूद हमारा वोट प्रतिशत जी हमारी पार्टी की वोट बैंक को इंगित करता है, जो किसी तरीके से उसमें गिरावट नहीं आई है। जहां तक रही बात सीट ना आने की, उसका कारण है कि कभी कभी लोक लुभावन वायदे और नारों में लोग बह जाते हैं, जिसके चलते कहीं न कहीं ध्रुवीकरण की स्थिति बनती है, जिसका फायदा भरपूर मोदी जी को मिला। लेकिन आज हमारे लिए चुनौती नहीं, इसलिए कि 10 महीने के अंदर ही मोदी का सारा जादू खत्म हो गया, अच्छे दिन का सपना दिखा करके मोदी जी ने प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जमा करने का जो घोषणा किया था, वो खाली पुड़ाव साबित हुआ। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जनमत मोदी जी को मिला, मोदी जी उस पर भी खड़े नहीं उतरे। यहां तक कि विश्व मार्केट में कच्चे तेल का दाम 150 बैरल प्रति बैरल से घटकर 50 पर आ गया, जिसके चलते यहां पर पेट्रोल का दाम 42 रुपए प्रति लीटर होना चाहिए और डीजल का दाम 25 और 26 रुपए प्रति लीटर होना चाहिए, लेकिन उस अनुपात में इनकी दामों में कोई कमी नहीं आई। अलबत्ते बेतहाशा मूल्य वृद्धि सभी आवश्यक उपभोग की वस्तुओं में हुआ। जो मुद्दे आप गिना रहे हैं, जाहिर है मोदी सरकार के खिलाफ, वो सभी राजनीतिक दल जो भाजपा से जुड़े हुए नहीं हैं, वो यही मुद्दे गिना रहे हैं और सबने सुन और समझ लिया है कि महंगाई के मुद्दे पर, और जो बातें आपने कही वो कहीं ना कहीं सही है। मेरा सवाल तो ये था कि आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है बसपा के लिए। अभी जो चरखारी विधानसभा के लिए चुनाव हुए, लोकसभा के बाद भी उपचुनाव हुए, आपकी पार्टी ने तो चुनाव मैदान में उतरने की भी जहमत नहीं उठाई। इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी अपना सारा का सारा संगठन की शक्ति 2017 के विधानसभा के आम चुनाव के लिए केंद्रित करके रखी है। सारी तैयारियां हमारी 2017 के लिए चल रही हैं और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी ने बहुत पहले इस बात का फैसला लिया, और इसके पहले भी हम उपचुनाव लड़ने में बहुत ज्यादा यकीन नहीं करते रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है जी, और येन केन प्रकार सत्ता पक्ष उस सीट को हथियाने की पूरी कोशिश करता है, और एक सीट के जीतने और हारने से सरकार न बनती है न बिगड़ती है, और इसीलिए हम अपनी ताकत बीच में जाया न कर पूरा का पूरा 2017 के विधानसभा के आम चुनाव पर केंद्रित कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य 2017 का विधानसभा का आम चुनाव है, हमारा लक्ष्य 2017 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का है, और इसीलिए हम अपने संगठन शक्ति को सुदृढ़ करके पूरी ताकत के साथ हम विधानसभा के 2017 के चुनाव में आ रहे हैं, और उसमें
जो भी चुनौती के रूप में हमारे सामने आएगा, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, और यहां तक कि अगर तीनों एक भी हो जाएं तो इन तीनों की मिलीजुली ताकत को भी हम शिकस्त दें, इसलिए हमारी तैयारी भरपूर 2017 के चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रही है और इसीलिए हम उस पर केंद्रित हैं। मान लेते हैं आप 2017 की तैयारी कर रहे हैं। बसपा का जब संगठन बना था तो बाबा साहब अम्बेडकर और सामाजिक न्याय, ये दो विचारधारा आपके आपकी आधारभूत विचारधारा थी। अब इस विचारधारा को आत्मसात करते हुए कई नए दल भी दिखाई पड़ने लगे हैं। जैसे आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में आरएसएस ने, बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर अंबेडकर जयंती मनाई। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी आपने देखा कि अंबेडकर जयंती के दिन जो है सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। आपको नहीं लगता कि चूंकि अब अंबेडकर के विचारधारा को दूसरे दल भी आत्मसात करते जा रहे हैं, इस वजह से आपके लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है? ये चुनौती हमारे लिए नहीं है बल्कि ये हमारी विजय है। बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से बाबा साहब के मिशन और विचारों को घर घर जन जन तक पहुंचाया और बड़े पैमाने पर लोगों को इससे जोड़ा और आज वो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हुए, इससे आज सभी लोग भयभीत हैं। और यही कारण है कि 2017 के जितनी राजनीतिक समझ मुझे है, मैं समझती हूँ ये राजनीतिक शिकस्त है आपके लिए, ये आपकी सोच हो सकती है। क्योंकि बसपा ने एक तरीके से ये माना हुआ था कि जो अंबेडकर की विचारधारा है, जो सामाजिक न्याय की वो बात कर रहे हैं और पिछड़ों की जो राजनीति जिस तरीके से वो लेकर चलते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं, एक तरीके से वो बिल्कुल उनके लिए ही बने हैं, ऐसा उन्होंने मान लिया था। इसी आधार पर आपकी पार्टी पिछले कुछ वर्षों से चलती है। ये हमारी विजय थी, ये हमारी विजय है, ये हमारे लिए चुनौती नहीं है। ये हमारी विजय है कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर जनाधार खड़ा हुआ, बाबा साहब के मिशन से लोग जुड़े और लोगों की चिंता बढ़ी कि दलित और पिछड़ों में कैसे स्ट्रेन लगाई जाए, इसलिए वोट की लालच में इनके भी मुंह से लाट टपकने लगी। और जो लोग बाबा साहब को कभी भी, बाबा साहब का कभी नाम नहीं लेते थे, बाबा साहब का सम्मान करने के बजाय अपमानित किया करते थे, और यहां तक कि बाबा साहब की मूर्तियां भी इनकी सरकारों में बड़े पैमाने पर तोड़ी जाती रही हैं, आज अगर बाबा साहब को वो सम्मान देने का काम कर रहे हैं तो अंदर दिल और मन से नहीं कर रहे हैं बल्कि वोट की लालच में कर रहे हैं, और ये दिखावा है, छलावा है। आज बाबा साहब के मिशन के सिपाही सम्मान स्वाभिमान के लिए चल पड़े हैं और अपने बलबूते पर सरकार बनाने के लिए तैयारी कर चुके हैं, इसलिए अब किसी के बहकावे और छलावे में नहीं आएंगे। ये इनकी केवल मेरे सवाल का आपने स्वयं जवाब दिया। आपने कहा कि जो दूसरे दल कर रहे हैं अंबेडकर के नाम पर वो दिखावा है, छलावा है, असल अंबेडकरवादी तो आप हैं, ये आप स्वयं कह रहे हैं, तो आप मानते हैं ना? स्वाभाविक रूप से जब बाबा साहब के मिशन पर बहुजन समाज पार्टी स्थापित है और सारे के सारे बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए हम निरंतर आगे चल रहे हैं, आपको कैसे लग रहा है कि दूसरे दल आपको कैसे लग रहा है कि दूसरे दल अंबेडकर के नाम पर, अंबेडकर जयंती के नाम पर छुट्टियां देकर या और कुछ आयोजन करके लोगों को ठग रहे हैं, छल रहे हैं, जैसा कि आप स्वयं कह रहे हैं, कैसे लग रहा है? अगर बाबा साहब के सम्मान की चिंता कांग्रेस को होती तो कांग्रेस इतने लंबे अरसे तक केंद्र में सरकार में रही, भारत रत्न दे देती, नहीं दिया। अगर चिंता भारतीय जनता पार्टी को होती तो भारतीय जनता पार्टी की भी बीच में सरकार रही, ये भी सरकार में शामिल रहे, ये दिलाने की कोई मुहिम करते, नहीं किया। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी सरकार में तो बड़े पैमाने पर जगह जगह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। अगर सम्मान की चिंता होती तो मूर्तियां नहीं तोड़ी जाती, अगर सम्मान की चिंता होती तो बाबा साहब को बहुत पहले भारत रत्न कांग्रेस के द्वारा या भाजपा के द्वारा दे दिया गया होता। और आज भी अगर इनको दलित नेताओं की चिंता है, आज बाबा साहब की लोग चिंता करने लगे, बाबा साहब को तो यहां तक ये भगवान का स्वरूप भी देने की बात करने लगे, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को का नाम ले रहा था। लोग बाबा साहब को अपना रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों है? हमें तकलीफ कहां है, मैं तो कह रहा हूं ये हमारी विजय है। हम तो खुश हैं कि आज हमने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी, बहुजन समाज पार्टी ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी, मानवर कांशीराम सुशील बहन मावती जी ने आज पूरे देश को
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यानी जय भीम भीम मैं कर दिया, जिसके चलते सारे के सारे लोग भीम शरण गच्छामी कहते नजर आ रहे हैं और आज बाबा साहब का नाम रटने में वो होड़ लगाए हुए हैं। तो ये तो हमारी जीत है, हमारे मिशन की जीत है, जो हम चाहते थे आज वो सारी की सारी पार्टियां उसको स्वीकार कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं भले ही उनकी वोट की लालच हो, भले ही उनकी नौटंकी हो, ढोंग हो, ढकोसला हो, दिखावा हो, छलावा हो, लेकिन अंत में कुल मिलाकर के अमृता ये हमारी जीत है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी पिछले एक महीने से भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर कितना सक्रिय है और जिस तरीके से सोनिया गांधी जी 14 दलों को लेकर के राष्ट्रपति भवन तक उन्होंने मार्च किया था, उस दिन बसपा का कोई नुमाइंदा देखने को नहीं मिला। बसपा ने भूमि अधिग्रहण बिल पर कोई खास टिप्पणी नहीं की, क्यों? जिस दिन यह बिल प्रस्तुत किया गया उसी दिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती ने जोरदार शब्दों से इसका खंडन किया था और इसको किसान विरोधी बताया था, इसलिए विरोध नहीं किया ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है। समय समय पर विरोध दर्ज कराया जाता है। हाँ, इतना जरूर है कि हम किसी के पिछलग्गू नहीं है, हमारी अपनी राजनीतिक एक आधार है, विचारधारा है, हम अपने बलबूते पर संघर्ष भी करते हैं और अपने बलबूते पर सरकार भी बनाते हैं, अपने ही बलबूते पर जनता के बीच में जाते भी हैं। हम कांग्रेस के शैडो पार्टी नहीं है या कांग्रेस के पिछलग्गू नहीं है कि जो कांग्रेस चाहेगी हम वो करेंगे। जो कांग्रेस ने किया उसकी उस पर हमारी नेता ने पहले अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी आइडियोलॉजी प्रस्तुत कर दी, उसको खंडन कर दिया, किसान विरोधी बताया, विरोध दर्ज कराया और आज उसी इशू पर पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें पहले चरण में उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 27 अप्रैल को इन्हीं बिंदुओं पर धरना और प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। जनता को यह भी याद है कि बसपा ने समाजवादी पार्टी सरकार बनाई थी। अब अगर 2017 में कुछ ऐसी परिस्थितियां आए कि सांप्रदायिक ताकतों को जैसा कि आप रोकने की बात कर रहे हैं, क्या सपा बसपा कभी साथ आ सकती हैं? वो परिस्थितियां ऐसी थी और उत्तर प्रदेश के हितों को देखते हुए, जनता की चाहत को देखते हुए पुनः चुनाव में न जाना पड़े इसलिए वो मजबूरी थी, वो हमारे लिए जरूरी नहीं था। उसके बावजूद उस मजबूरी की हालत में भी हमने अपने एजेंडे पर, अपनी विचारधाराओं पर सरकार चलाई, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर नहीं चलाई, जबकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या ज्यादा थी। एक और मेरे सवाल का एक उत्तर आपने नहीं दिया। मैंने पूछा था कि बसपा के सामने और कौन कौन सी चुनौतियां हैं, राजनीतिक चुनौतियां कौन कौन सी हैं। आपका जनाधार घटा हुआ है, लोकसभा में जो आंकड़े रिजल्ट जिस तरीके से आए, आपका खाता नहीं खुला है, उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव में आप गए भी नहीं और भी दूसरे चुनाव भी आप नहीं लड़ते हैं, ऐसी परिस्थिति में आपके वोटर्स क्यों आपके साथ रहेंगे जबकि अंबेडकर को आरएसएस परिवार के लोग, भारतीय जनता पार्टी और अंबेडकर की विचारधारा के साथ खड़े होने के लिए तमाम और राजनीतिक दल भी बहुत उकताए हुए हैं ऐसी परिस्थिति में? दाई कितना भी तेल उपटन क्यों न लगाए, लेकिन वो कभी भी बच्चे की मां नहीं बन सकती है। इसलिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी दाई हो सकती है, माई का स्थान नहीं ले सकती है। आज बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का कारवां है, सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का पर्याय है, इस देश में जन्मे संतों, गुरु, महापुरुषों, कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़े रख रहे हैं आप? वो क्योंकि हम उन्हें विचारधारा से जोड़े हैं, हमने उनको कुर्सी से नहीं जोड़ा, हमने उनको सत्ता से नहीं जोड़ा, हमने विचारधारा से जोड़ा है और विचारधारा से जोड़कर जो सामाजिक परिवर्तन का कारवां हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी पड़ाव में सत्ता भी आया और सत्ता को भी हमने प्रदेश की जनता के हित में जो भी हमारी नेता ने वादा किया उसे पूरा किया। अगर हमारी नेता ने कहा हमारी सरकार में कानून का राज होगा, गुंडे माफिया अपराधी जल की शलाखों में होंगे और अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त तथा भय मुक्त समाज होगा, तो सारे के सारे वादे हमारी नेता ने किया। और यही नहीं, विकास के कार्यों को हमने गरीब की डेहरी तक पहुंचाया और साथ ही साथ विकास के साथ हमने समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को जोड़ने का भी काम किया। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के आधार पर हमने प्रदेश में सभी समाज के लोगों को सम्मान दिया, स्वाभिमान सुरक्षित रखा और हमारी चारों बार की सरकार में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, जो सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव भाईचारे का
एक मिसाल पेश करता है। मुख्य बात आपने कही कि अंबेडकर के विचार से जोड़े रखेंगे कार्यकर्ताओं को। दूसरी बात आपने कही कि आपकी सरकार जो है भ्रष्टाचार और भय मुक्त सरकार थी, जनता को उसमें विश्वास था। लेकिन और भी क्या है मुद्दे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। देख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से हमारी ये खास बातचीत एक मुलाकात कार्यक्रम में। स्वामी प्रसाद जी, ब्रेक से पहले हमने केंद्र सरकार की राजनीति से आप संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, और क्या आपकी रणनीतियां होंगी इस पर बात की, जानना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में भी आप अपनी राय रखें, जिस तरीके से आपने एक लैपटॉप योजना जो यूपी सरकार की रही है उसको बार बार आप झुनझुना, लैपटॉप को झुनझुना कहते हैं, ऐसा मैंने कई बार आपको कहते हुए सुना है, ऐसा क्यों कहते हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार यहाँ पर तमाम लोक लुभावन वायदे और नारों और घोषणाओं के बिना पर सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। चुनाव के दौर में समाजवादी पार्टी ने कहा था हम उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता देंगे, लैपटॉप देंगे, टैबलेट देंगे, मुफ्त बिजली, मुफ्त सिंचाई, कर्जा माफी की बात की थी। लेकिन आज सारे के सारे वो चुनावी घोषणाएं रद्दी की टोकरी में चली गई, यानी टाइम टाइम फिर हो गई, ठप पड़ गई। और चूंकि मैं जानता था कि ये केवल दिखावा है, छलावा है, लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम करने का है, इसीलिए मैं इसको झुंझुना कहता था और साबित भी हुआ। अगर इनकी योजनाएं होती तो आज भी वो जीवित रहती, आज भी चलती रहती। ये सारी की सारी जो चुनावी वायदों में घोषणाएं की गई थी आज वो खत्म हो गई, ठप हो गई। इसका मतलब है मैं जो कहता था मैं अपनी जगह पर सही था। और यही नहीं, आज समाजवादी पार्टी सरकार बन गई, पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है, बड़े पैमाने पर आज अपराध बढ़े हैं, और यहां तक कि बलात्कार, हत्या, डकैती, बैंक डकैती, अपहरण, फिरौती और जमीनों पर अवैध कब्जे का कारोबार इस सरकार में बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार के मुखिया आज इन गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्वों के सामने बौने साबित होते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है, सरकार में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं है कि किसी भी अराजक तत्वों के। आपने कई बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जादूगर कहा है, क्यों? मैंने तो कहा श्री मोदी जी और अखिलेश यादव जी दोनों जादूगर हैं, और इन दोनों में होड़ लगी थी कौन ज्यादा झूठ बोल लेता है, कौन ज्यादा लोगों को गुमराह कर सकता है, कौन बड़े बड़े वादे करके लोगों का वोट बटोर सकता है। और दोनों अपने अपने फन में माहिर हैं, और दोनों ने, एक ने देश की जनता को धोखा दिया, एक ने प्रदेश की जनता को धोखा दिया, एक ने प्रदेश में तमाम घोषणाएं करके लोगों का वोट बटोरा और दूसरे ने अच्छे दिन का सपना दिखा करके लोगों का वोट बटोरा। सरकार का आकलन अभी होना बाकी है, अभी समय कम ही हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ये दावा करती है कि जो चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदे उन्होंने किए थे उसको बहुत हद तक पूरा किया है और पूरा करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? पहले झूठ बोला था, अब महाझूठ बोल रहे हैं। और जब उनके सारे के सारे लैपटॉप तो बांटा उन्होंने, एक साल बाद ट्रैक बना रहे हैं, ये कहा था इंटर पास होने वाले लेके आ रहे हैं, लैपटॉप की योजना उन्होंने दोबारा शुरू की, कन्या विद्या धन और तमाम योजनाओं की बात होती है, कहीं ना कहीं वो योजनाएं तो चल रही हैं। ये सारे के सारे केवल झूठे वायदे हैं। जहां तक रही बात लैपटॉप, इन्होंने दोबारा अभी बांटना नहीं शुरू किया, पहले इन्होंने बांटना शुरू किया था और कहा था जो भी इंटर पास होगा उसे हम लैपटॉप देंगे। क्या केवल एक साल के ही पास वाले बच्चों को मिलना चाहिए? अगर लैपटॉप दिया जाना है इंटर पास वालों को तो प्रतिवर्ष इंटर पास होते हैं बच्चे, 33 लाख 34 लाख बच्चे पास होते हैं, और प्रतिवर्ष इनको दिया जाना चाहिए, देना चाहिए, नहीं देते हैं। तो इसका मतलब है ये केवल वोट लेने की इनकी एक सोची समझी साजिश थी, रणनीति थी, और उस साजिश में कामयाब होने के बाद सारे नौजवानों को इन्होंने ठोकर मार करके बाहर कर दिया और प्रदेश की जनता के साथ भी धोखा किया, छलावा किया। और यही कारण है कि आज अखिलेश यादव की सरकार लोगों की आंख की किकरी बन गई है, 2017 का इंतजार कर रहे हैं, जब भी चुनाव आएगा इनको धूल चटाने के लिए जनता तैयार बैठी। विधानसभा में जब भी कोई कार्यवाही होती है देखती हूँ वॉकआउट, वॉकआउट, विपक्ष का वॉकआउट, नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये विपक्ष का हथियार है, और समय समय पर
क्योंकि सरकार विपक्ष के कहने से अपनी नीति नहीं बदलती, निर्णय नहीं लेती, और इसीलिए विरोध दर्ज कराने का वो एक माध्यम है, लोकतांत्रिक परंपरा है। लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन विपक्ष इसलिए करती है कि जो कमियां हैं हम सरकार को ध्यान में लाएं। लेकिन आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही वॉकआउट हो रहा है? आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही? ये रिकॉर्ड है कि इस जब से मैं विपक्षी दल का नेता बना हूं तब से सदन के सत्र के संचालन का ज्यादा से ज्यादा संचालन कार्य अबाध गति से चला है, बाधित नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी जब विपक्ष में थी एक भी दिन हाउस नहीं चला क्योंकि 24 घंटा बेल में बैठे रहते थे। मैंने सदन को ज्यादा से ज्यादा चलाने में भरपूर कोशिश की और माननीय अध्यक्ष विधानसभा को जो भी निर्देश मिलता था उसका अनुपालन विपक्ष में होते हुए भी हमने बहुत ही सम्मान के साथ उसका अनुसरण किया, पालन किया, और ज्यादा से ज्यादा हमने सत्र को संचालित करवाने में का पहल प्रयास किया, क्योंकि हमारी सोच है कि जितना ज्यादा से ज्यादा सत्र का संचालन होगा उतने ज्यादा प्रदेश की समस्याएं और लोगों से जुड़े हुए जो भी यहां पर नीतियां हैं या विभाग हैं उन पर गंभीरता से विचार होगी। एक व्यक्तिगत सवाल, वंशवाद की राजनीति के तमाम आरोप दूसरे दलों पर आप भी लगाते रहे हैं, तमाम और दल भी लगाते रहते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने अब जब अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारा, आपने अपनी बेटी को लोकसभा में चुनाव मैदान में उतारा, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मावती जी का फैसला था, क्योंकि मानी बहन जी का ये फैसला था। आप बसपा के जाने माने बड़े नेता हैं, आपने अपनी बेटी को चुनाव मैदान में उतारा, आप पर वंशवाद का आरोप नहीं लगना चाहिए? नहीं, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि मैंने टिकट नहीं मांगा था, मेरी बेटी ने टिकट नहीं मांगा था, ये बहन जी का फैसला था कि मैं वहां पर एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में तुम्हारी बेटी को उतारना चाहती हूं। तो हमने बहन जी से केवल इतनी कहा कि बहन जी पार्टी हित में आप कुछ भी निर्णय ले लें, और यही नहीं लोकसभा के चुनाव में नहीं असेंबली के चुनाव में के दौर में हमने ये कहा था कि अगर मैं अपने बेटे आपको, आपका जवाब ये भी हो सकता था कि दूसरे दलों में गलत संदेश जाएगा बसपा के बारे में तो ये फैसला नहीं लेना चाहिए पार्टी हित में, आपका जवाब ये भी हो सकता था। ये भी जवाब मैं दे चुका हूँ जब पहली बार असेंबली में उतारा, ये तो मैंने पढ़ लिया की मंडी की बताई, असेंबली में जब उतारा था तो मैंने सीधे यही कहा था मैं कांग्रेस पर और समाजवादी पार्टी पर लगातार हमला करता हूं और वंशवाद का आरोप लगाता हूं, अगर आप मेरे बेटी और बेटे को टिकट देंगी तो स्वाभाविक रूप से जो मैं मेरी जुबान है उस पर कहीं ना कहीं ताला लगेगी। तो सीधे सीधे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पर मुझे निर्देश दिया कि तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, ये मेरा फैसला है, मैं टिकट दे रही हूं, इसलिए इससे तुम्हारा क्या लेना देना, मैं पार्टी हित में जिसको चाहूंगा उसको लड़ूंगी और जिसको नहीं चाहूंगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि राजनीति में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ किया जाता है और जो होता है, इन सब में बड़ा अंतर है। अंतर इसलिए नहीं है कि एक मर्यादित कार्यकर्ता होने के नाते अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशों की दूसरे दल वाले भी यही जवाब दे कि पार्टी हित में उन्होंने ऐसा किया, तब तो आप उनको बर्दाश्त नहीं करते। नहीं, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशवाद जातवाद परिवारवाद तब होता जब सुश्री बहन मावती जी अपने घर के अपने भाई को भतीजे को या घर में किसी को देती, वो परिवारवाद होता, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से वो किसी और को टिकट दे रही है तो वो आप मुलायम सिंह जी या सोनिया गांधी जी का आरोप उन पर नहीं थोप सकती है क्योंकि वो उससे बहुत दूर है। चलिए जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने को पूरे उत्तर प्रदेश में रिवाइव किया है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आपके सामने आना चाहते हैं और आएंगे, इसके लिए क्या तैयारी है? इसके लिए हम पूरी चाक चौबंद तैयारी कर रहे हैं, अपने संगठन को पोलिंग बूथ तक तैयार करके हर मोर्चे पर इसका मुकाबला करेंगे, और मुकाबला ही नहीं बल्कि इनको शिकस्त भी देंगे। और इसी कारण से उपचुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी नहीं गई थी जिससे कि हमारी संगठन का कार्य कहीं बीच में बाधित न हो, और 2017 हमारे सामने लक्ष्य है, उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो भी हैं, हम सबको सबक सिखाने की हैसियत में होने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर के आए। चलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपने हमसे बात की, इतना समय दिया और तमाम सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।